थोड़ा सा ये जिगल जिगल करेगा वो जिगल जिगल चढ़ जा चढ़ जा इस 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 ये मैं तो वैसे बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा हूँ। क्या बात बोले अच्छा सुनो क्या है हम लोग अच्छा अगर मैं बैलून पे खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा? अगर हम एक बैलून पे खड़े हो जाएंगे तो बैलून तो फट जाएगा। इक्षांश आप इस एक बार ऊपर चढ़ जाओ बेटा और ऊपर चढ़ के इस बैलून पे चढ़ो जिसने फुलाया था। चढ़ जाओ इस पे। हाँ चढ़ जाओ भाई। आप बताओ कॉमन सेंस की बात है हम बैलून पे खड़े हो जाएंगे तो बैलून तो फटेगा ही बच्चों, क्योंकि हमारा मास बहुत ज़्यादा है ना। तो हमारा मास ज़्यादा तो हमारा वेट भी क्या है ज़्यादा, और हम सब इंसान जो है वो दो टांगों पे चलते हैं तो उनका एरिया भी बहुत क्या होता है कम होता है, एरिया बहुत कम होता है बेटा। लेकिन अगर हम लोग बैलून बैलून को नीचे बिछा के उसके ऊपर एक फट्टा रख दें, क्या रख दें, तो हो सकता है एरिया बढ़ जाए, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, और हो सकता है बैलून ना फटे। हम लोग मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, रुक जाओ ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा एक लेवल पे करके रखना, एक्चुअली नीचे मिट्टी वगैरह भी होगी ना उसकी वजह से फट रहे होंगे, इसलिए हमने एक्स्ट्रा और एक एंड में रख दो। अब देखो क्या है, अबे हाँ तुम्हें थोड़ी सबसे पहले चढ़ाएंगे हम, लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे इसके ऊपर यहाँ से चढ़ें तो क्या होगा, जो हमारा अगेन जो हमारा वजन है वो डिवाइड हो जाएगा इस बोर्ड पे। जो बैलून अब देखो जो बैलून फट रहे हैं वो उसकी वजह से है कि बीच में कोई क्या आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया या कुछ आ गया, उसकी वजह से वो बैलून फट सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इस पर उशांक सर भी चढ़ गए थे, उशांक सर का वजन तो 80 किलो है क्या है। तो आओ बेटा, तो आयरन चप्पल पहन के चल दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सा पूजा हो रही है। ठीक, इसके ऊपर चढ़ना सबसे पहले और धीरे धीरे तुम्हें आगे जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। हम इसके ऊपर ये रख देंगे, थोड़ा सा ये जिगल जिगल करेगा वो जिगल जिगल कोई बात नहीं, आज हम एक रील बना लेंगे बच्चों। मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ चढ़ के, ओके कूल रहेगा। चलो भाई इस ये महंगी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बस, 70,000 का ये देखो, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं लेकिन अरे यार तुम ज्यादा हीरो मत, चढ़ो आगे चढ़ो, ये देखो अबे क्यों है रुक। हाँ ये देखो अब ये सारे के सारे बैलून के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तुम आ जाके संभाल लो यार, इसको पास से रहना। अब ये इन बैलून के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये बैलून क्यों नहीं फट रहा, क्योंकि ये किसने ये एरिया जो है वो क्या हो गया डिवाइड, इसका जो सारा का सारा हमने पढ़ा था वेट एक फोर्स है, और फोर्स जो होती है अगर एरिया ज्यादा पे लगेगी तो प्रेशर क्या एक्ट करेगा, तुम्हें सांस भी नहीं लेनी है, तुम सांस भी लोगे फटेंगे, ठीक है, तुम एक इस वक्त लैंड माइन पे खड़े हो तो पलक तो झपका लो। सुनो अब आप मुझे बताओ, अगर इसके साथ साथ हम एक और बच्चे को चढ़ा दें इसके ऊपर, चढ़ाएं आप और आगे चले जाओ, ऐसे ट्रेन बना लो, ट्रेन इस ट्रेन बना लो, ट्रेन बना लो। अब बताओ ये देखो ये आगे वाले बैलून देखो आप कैसे हैं भैया, ये आगे लेकिन ये हमारे बैलून्स के ऊपर खड़ा हुआ है बच्चों। अच्छा अब ये बैलून अब क्यों नहीं फट रहे, रीजन भी एरिया जो है वो बढ़ गया है। आप ये नीचे से ले रहे हो कि बैलून भी आ रहे हैं ना भाई, पैसे काट लूंगा तुम्हारे। अच्छा अगर इसके ऊपर मैं भी खड़ा हो जाऊं तो फटेंगे? अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास ये यार मैं तो वैसे बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा हूँ, क्या बात बोले बच्चों, बैलून अब मेरा वजन तो काफी ज्यादा है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, अब देखो वहां पे बैलून पड़े हुए हैं ना हमारे, अब अगर हम धीरे धीरे उनकी तरफ जाते हैं मान लो, तो जैसे ये एरिया अब जैसे ये देखो बैलून दब तो रहे हैं, लेकिन अगर इतने वजन पे अभी तक हम खड़े हो गए तो फट गए होते, बट एरिया क्या है तो प्रेशर क्या हो जाता है कम। सर अंडे रखो